सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा वहीनी से कभी बात नहीं करूंगी। तेरी आई का सर शरीर जख्मी नहीं हुआ बल्कि इनकी आत्मा भी जख्मी हुई है। अपने चोट का एहसास अब लोगों से रोज कराऊंगा मैं। बहुत तकलीफ हुई ना विनोद, मैंने तुम्हारी बहन को छू पर क्या लिया, इतनी तकलीफ है। मेरी आंखों के सामने मेरी आई को मारा गया, मेरी बहन को बेइज्जत किया। सोचो मुझ पे क्या बीतरी होगी। इन्हें मजबूर आंखों से सिर्फ देखता रहा, पता है क्यों? क्योंकि उस मजबूरी का कारण तुम लोग हैं और इसके लिए मैं तुम लोग को कभी माफ नहीं करूंगा। मानव तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं आई, उस दिन मैंने भी आपको यही कहा था ना, मेरी बात सुनी है। फिर मिलाकर आपसे कहा था कि सिर्फ एक बार अर्चना से बात कर लेते थे। नहीं आई, एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे अर्चना से बात कर लेने दीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हुआ। एक बात ध्यान से सुनो मानव, अब हम तुमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, इसलिए तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना ही अर्चना को। आपने क्या किया? अपनी बात कही और उनका थे। तो फिर आज आप मुझसे कैसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी बात सुनूंगा? सच कह रहा हूं, उस दिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता रहा कि नहीं सर कुछ गलतफहमी हुई है। अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते? लेकिन उस समय जब आपने अर्चना से बात नहीं करने देना मुझे, उस पर मुझे विश्वास हो गया कि सब आपका किया हुआ है। क्या केस किया था आपने मुझ पर? फिजिकल और मेंटल टॉर्चर। पूछिए अपनी बेटी से, पूछिए कभी मैंने उससे ऊंची आवाज में भी बात की है? ये मेरी फितरत नहीं है। आज मैंने इसको हाथ क्या लगा कि लगे सब भागे, मुझ पर भरोसा नहीं था। इसीलिए इसके कहने पर आपने वो केस किया था ना। सुनो मेरी बात, आज ही हमारा रिश्ता टूटा नहीं है अर्चना, ये बिखर गया है। कुछ नहीं बचा इसमें, याद रखना है मुझको। आप सबको बता देता हूं कि जब से अर्चना को मैंने देखा है ना, इस दिल से उसको प्यार किया। लेकिन आज सबके सामने इसी वक्त इस प्यार की तिलांजलि देता हूं। आप लोग में से कोई भी मुझे रास्ते में दिखा ना, तो वादा करता हूं पलट के भी नहीं देखूंगा।
मानव के साथ बिताए एक एक पल की छवि बसी है मेरे मन में। सच कहती हूँ, मैंने अपने दिल से उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन नहीं नहीं कर पाई। मैंने सुना था अर्चना के पति पत्नी का रिश्ता टूटना नामुमकिन होता, लेकिन शायद मैं ये भूल गया था अर्चना के अगर पति पत्नी दिल से दूर होना तो सिर्फ एक पल लगता है उस रिश्ते को टूटने में। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, याद रखना इस बात को। चलता हूं मैं, चलो भाई। देखा आप लोगों ने, अरे कैसे लोग हैं ये, अरे पुलिस की इतनी मार पड़ने के बावजूद भी अकड़ नहीं गई इन लोगों की। हद है, इस बार तो मानो खुद आ गया हमारे घर पर तमाशा करने के लिए। अरे कितना सुना कर गया हमें, आज तक का लिहाज नहीं किया उसने। अब ऐसे लोगों के लिए क्या रोना। लेकिन उसने फोन किया था, ये बात सच है, मैंने ही उसका फोन काट दिया। अगर उस वक्त उसे बोलने दिया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। ये सब कुछ वहीनी की वजह से हुआ है। अच्छा फिर वही बात, अब ऐसी क्या गलती कर दी मंजू ने जो तू सारा का सारा दोष उसको थोपे जा रही है। अर्जु पहले दिन से लेकर आज तक हमेशा वो लोग गलत थे, अब कभी ना कभी तो हमारे सब्र का बांध टूटना ही था ना, तो ये समझ ले उसकी शुरुआत मंजू से हो गई। अब बस अर्जु, मंजू ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी और इस घर की भलाई के लिए किया है। अब मंजू की कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है उन लोगों के साथ, लेकिन तू उसे फिर बार बार। बात इतनी सीधी रही है, माना कि हर बार उन लोगों की गलती रही है, लेकिन इस बार हमारी गलती थी। अगर आप बहनी के नजरिए से देखेंगे तो आपको कभी उनकी गलती दिखाई नहीं देगी। क्या कहना चाहती है तू कि मैं मंजू की तरफदारी कर रहा हूं, उसके गलत होते हुए भी मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं? ये सब सोच में कैसे सकती है। पर तू ही नहीं बल्कि घर के सब लोग जानते हैं कि जब भी मंजू ने गलती की है तो सबसे पहले मैंने उसे डांटा है, सबके सामने डांटा है और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया है। और अगर वो आगे गलती करेगी मैं तब भी उसे डांटूंगा, लेकिन आज वो सही है इसलिए मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये मैं मंजू की तरफदारी नहीं कर रहा हूं बल्कि एक पति होने का फर्ज निभा रहा हूं। दादा, अब इसका मतलब तुझे जो भी लगाना है तो लगा सकती है। तुझे लगता है कि मैं मंजू के लिए पाया तू तो हूं, तू ऐसा सोच। बस मुझे जिंदगी भर एक बात का दुख रहेगा कि इतने साल एक साथ गुजारने के बाद भी तू अपने भाई को नहीं समझी। मैं एक बात और बता दूं, मैं आज के बाद तेरे मामले में कोई दखल नहीं दूंगा। अब तू जाने और तेरी किस्मत बस। विनोद, तू सुन तो। अरे तू कहां जा रही है? मानव से मिलने। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। भाई मैं वहां जरूर जाऊंगी क्योंकि मैं जिंदगी भर मानव को इस गलत फहमी में रहते नहीं देख सकती। ताई, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं वर्षा, इस बार मैं अकेली जाऊंगी उनसे मिलने। लेकिन ताई, अर्जुन और Thank you.
विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना मैं ऐसा कभी कुछ कर सकती हूँ, वो भी उस घर के लिए जिस घर के लोग मेरे अपने थे। वो घर कभी मेरा अपना था, आप मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं। अब खुद ही सोचिए मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मानो ऐसा कैसे कर सकती हूँ। ये सब ये लो, ये उस दर्द के लिए जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें दिया था, लगा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आज से ये रिश्ता मैं खुद अपनी तरफ से खत्म करता हूं। शादी के मंडप सात कदम चलते हुए जो एक दूसरे को वचन दिए थे ना हमने बाबा, मैं उसे तोड़ता हूं बाबा। लीजिए ना, आप ही के लिए लाया हूं। सोचा इसी बहाने आपसे थोड़ी बातें कर लूं। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं और आपका सोचना भी गलत नहीं है। हमारे साथ जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा दुख हुआ मुझे। होता है ना, कुछ दर्द ऐसे होते हैं वो मिटाए नहीं मिटते, लेकिन अभी भी मेरा मन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अर्चना ने ऐसा कुछ किया है। मनोहरपन, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, दुनिया देखी है, दुनियादारी भी। अर्चना मेरी बहू नहीं, बेटी है मेरी। आज भी दिल से हमारे घर से वो जुड़ी हुई है, वो भला हमारा बुरा क्यों चाहेगी। बस मैं ये तसल्ली करना चाहता था और आपके चेहरे ने सारी सच्चाई बयां कर दी। हो सकता है मेरे घर वाले ये बात ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि अर्चना का इसमें कोई दोष नहीं है। मनोरपन, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये सब क्यों हुआ और किसने किया। मेरे लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि
ये सब अर्चना ने नहीं किया, मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। लाख मुसीबतें आए, लाख गलत फहमियां हो, लेकिन आज भी मैं अर्चना को मेरी बहू मानता हूं और मानता रहूंगा। कैसी हो वर्षा? घर में सब कैसे हैं? अरे हालात संभले या नहीं? आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ होने के बाद हालात इतनी जल्दी संभल जाएंगे? एनिवर्सरी के दिन जो भी हुआ उसका असर हम सब पर आज भी साफ साफ दिख रहा है। आप तो सब कुछ कर सवर कर चली गई, भुगतना हमें पड़े। आपसे एक बात पूछूं? प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने एक बार भी सतीश जी से नहीं पूछा? ताई ने मना कर दिया इसलिए ठीक है, वरना आज उन दोनों की शादी हो जाती, उन दोनों की पूरी जिंदगी खराब हो जाती। देखो वर्षा, मैं मानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, गलती हर इंसान से होती है, मुझसे और सुलोचना ताई से भी। एक मिनट प्लीज, आई को इस सब के बीच में मत लाइएगा। ये शादी आपने करवानी चाहिए, ये सारा प्लान भी आप ही का था। आई पता नहीं कैसे आपके बहकावे में आ गई। तुम अभी बच्ची हो वर्षा, ये सारी बातें समझना तुम्हारी समझ से बाहर है। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। श्रावणी, मैं लाख कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को भुलाए नहीं भूल सकता। मानता हूँ कि आई का वहिनी के साथ नहीं जमता था, लेकिन आई ने कभी भी उसे मारा नहीं। मैंने, बाबा ने, वंदु ने, काका ने, कभी भी उसे पराया नहीं समझा, लेकिन इसके बावजूद वहिनी ने हमारे साथ ऐसा किया। अरे जिस तरह से आई को मारा गया, दादा और वंदु का इंसल्ट किया गया, मन तो करता है कि सचिन, मैं समझ रही हूँ, पर देखो, मैं मानती हूँ कि अर्चना जी ने जो किया गलत किया, लेकिन अब उन सब के बारे में सोचकर अपने बीते कल को बदला तो नहीं जा सकता ना। अगर तुम उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते रहोगे तो सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा है कि हम अपने आने वाले कल के बारे में सोचें। सचिन, पापा हमारी शादी की तारीख तय करने के बारे में सोच रहे हैं और उनका कहना है कि क्या कहना है तुम्हारे पापा का? पापा चाहते हैं कि अगर शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाऊं तो। हाँ तो ठीक है ना, मुझे नहीं लगता है कि हमारी फैमिली को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, शादी के बाद हम दोनों एक साथ अमेरिका जाएंगे। हाँ सर, हाँ सर, मैं सबसे बात करके आपको वापस फोन करता हूँ। थैंक यू सर। गिरीश सर का फोन था, सचिन और श्रावणी की शादी की तारीख पक्की कर दी उन्होंने, आप लोग से बात करना चाहते हैं। अरे उसमें बात क्या करनी है भाई, गिरीश जी जो तारीख तय करेंगे वो हमें मंजूर है, इसी बहाने इस घर में खुशियां तो आएगी। मानो तू तारीख बता,
मैं निमंत्रण बनाने की तैयारी करता हूँ। सुनो मेरी बात, उसमें करंजकर फैमिली का नाम नहीं होगा। अगर होगा, अगर होगा तो मैं बताती हूँ, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मुझमें और अपमान सहने की ताकत नहीं बची। इस बार बाबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना तो वो खुद जाएंगे निमंत्रण लेके, ना किसी और को भेजेंगे। जो हुआ बहुत हुआ, अब पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है ना बाबा। सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां या हो दूरियां बस प्यार।